अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीओ बीएससीएस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वीयू पे होने वाले अटैक के बारे में। तो वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप अपना एलएमएस लॉगिन करें और एलएमएस लॉगिन करने के बाद अपने आप नोटिफिकेशन बार पर क्लिक करें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई हुई है। तो अगर आप इस पर क्लिक करें तो इस पर लिखा हुआ है कि मिचुअल यूनिवर्सिटी पर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से आपका सर्वर काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमारे असाइनमेंट पेंडिंग पे हो गए थे। और रिसेंटली जो हमारे 3-4 दिनों से एलएमएस डाउन था या वर्क नहीं कर रहा था, किसी को वर्क कर रहा था, और इस टाइप के इशू जो है, मतलब एलएमएस पे लोडिंग हो रही थी या नेट का इशू था, तो ऐसे जो इशू हो रहा था उसकी पीछे वजह थी। वो क्या वजह थी? तो फाइनली वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपना ये मैसेज में कन्वे कर दिया कि क्या वजह थी जिसकी वजह से आप लोगों का सर्वर काम नहीं कर रहा था या वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। तो अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें इन्होंने ये कहा गया है, अगर मैं आपको एक मरतबा पढ़ के बताऊँ तो वे कह रहे हैं कि रिसेंटली वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने एक न्यू वर्जन एलएमएस का निकाला अपने यूज़र्स के लिए, न्यू इंटरफेरेंस, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट को ये है जो है वो फीचर पसंद आया और कुछ को थोड़ा टाइम लग रहा है समझने में, ठीक है। और इसके आगे उन्होंने ये कहा आईसीटी क्या होती है, तो अगर आप गूगल पे का सर्च करें तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आईसीटी टीम जो है रिसेंटली इसको देख रही है, यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो आईसीटी टीम है उसको देख रही है क्या क्या इसके अंदर खामियाँ हैं, जैसे कि टू डू लिस्ट में गायब हो गई है तो वो इस पर लगी हुई है, इसके अंदर क्या चीज़ अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। चल रहे हैं काम की बात पे कि एक्चुअली हमारे दौरान जब हमने इसको अपडेट किया, उसके न्यू फीचर्स डाले, तो उसके दौरान ही सम जो है सम मिस्टेक स्टार्टेड गैदरिंग सर्वर ब्रूट फोर्स एंड डीडोस अटैक, यानी हमारे सर्वर पर जो है सम, आप देखें सम ब्रूट फोर्स एंड सम डीडोस साइबर अटैक, ठीक है। ये एक अटैक होते हैं साइबर अटैक, ठीक है। तो ये क्या होता है अभी मैं आपको एंड में बताऊँगा, सबसे पहले मैं पूरा पढ़ के बता दूं। तो इनएक्सेसिबल, यानी हमारे जो एलएमएस लॉगिन नहीं हो रहा था 4-5 दिनों से, उसकी वजह ये थी कि इस पर अटैक हो रहा था, ठीक है। तो आईसीटी टीम आर कंटिन्यूसली टेकिंग मेजर टू माइग्रेट दिस अटैक, तो आईसीटी टीम जो है वो रिजॉल्व कर रही थी इन इशू पे कि क्या वजह है जो हमारे सर्वर पे क्या हो रहा है, ठीक है। जब तक के सांस नहीं लेंगे जब तक कि हमारा इशू सॉल्व नहीं हो जाए। वी रिगार्ड द इनकन्वीनियंस कॉज एंड अप्रिशिएट योर पेशेंस, तो वे कह रहे हैं कि हम माजरा चाहते हैं कि हमारी इनकन्वीनियंस हुई एंड कॉज एंड अप्रिशिएट योर पेशेंस। और वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के व्यू को कि आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आपने पेशेंस किया, क्योंकि ऐसी बात हम लोग के असाइनमेंट जो थे वो आखिरी डेट थी और एलएमएस काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को मसले मसाले हुआ, ऊपर से फीस का भी इशू आ रहा था कि 5 दिसंबर हमारी लास्ट डेट थी और एलएमएस काम नहीं कर रहा था, तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी अटैक की वजह से, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि फाइनली यूनिवर्सिटी ने जो है कि वो इशूज़ फाइंड कर लिए कि ये किसने किया था एंड गेटिंग द रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मालूम कर ली है, मालूम करने के बाद उन्होंने ये अपडेट दी हमें कि हमारे साथ हुआ क्या था, कि इस पर साइबर काम नहीं कर रहा था, और उसके बाद क्या किया उन्होंने, विच इज़ नॉट बीन सेंड टू FIA साइबर क्राइम्स, और उन्होंने साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर दिया है, तो फंक्शन अगेंस्ट दीज कल्प्रिट्स, ठीक है। तो इन मुजरिम के खिलाफ ताकि एक्शन लिया जाए, तो अभी जो है वीयू ने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली और ये रिपोर्ट जो है FIR को दे चुके हैं, और ताकि फर्दर एक्शन जो भी होगा वो गाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने जो मुजरिम था शायद उसको उन्होंने पकड़ लिया और उसकी जो रिपोर्ट है वो FIR को दे दी है। अब FIR का काम है वो जाके उस मुजरिम को पकड़ें। आगे के स्टूडेंट्स वो गेट एक्टिविटीज यूनिवर्सिटी डेडलाइन के स्टूडेंट्स की जितने असाइनमेंट है या फीस वगैरह थी वो सब उन्होंने एक्सटेंड कर दी है डेडलाइन, ताकि हमारे स्टूडेंट को कोई भी परेशानी ना हो, सो द स्टूडेंट कुड मेक दे सबमिशन ईजीली, ठीक है। तो आके वो कह रहे हैं थैंक यू, ठीक है। तो ये था उनका ओवरऑल मैसेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था, इसको आप लाइटली नहीं लीजिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट था मैं आपको बताता हूँ, ये ब्रूट फोर्स एंड डीडोस अटैक क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक ये होता है कि जैसे कि आपका LMS आप लॉग इन करते हैं उस पर, ठीक है। लॉग इन करने के बाद आपका ID मांगता है, पासवर्ड मांगता है, ठीक है। तो आप उसको अगर वो सेम होता है, ठीक है, वो ओपन हो जाता है, लेकिन अगर पासवर्ड गलत होता है या ID होती है गलत, तो वो आपको एरर शो कर देता है, यानी फेल्ड। तो ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है, ये सिंपली जैसे कि आप कीबोर्ड के जो आपके A से लेकर Z तक के अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, वो और आपके न्यूमेरिक 1 से लेकर 9 और आपके जो स्टार्स वगैरह हो गए, स्टारिक वगैरह हो गए, इन सब को मिला के, यानी कीबोर्ड की सारी कीज को मिला के कॉम्बिनेशन बना के वो ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक में, ये होता है कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन, यानी एक वो फाइल बनाते हैं, ठीक है, उस फाइल में जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो नंबर अल्फ़ाबेट पासवर्ड होते हैं, यानी कि अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 ये मेरा पासवर्ड है, तो वो क्या करेगा 1 2 3 4 5 का बनाएगा कॉम्बिनेशन, यानी 1 फिर 1 2 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4 1 5 ऐसे, फिर फर्स्ट करेगा अगर मैं लिखता हूँ पाकिस्तान 1 2 3 तो पाकिस्तान 1 2 3 का बनाएगा, पाकिस्तान 1 2 4 का बनाएगा, ऐसे हज़ारों कॉम्बिनेशन बना के वो अटैक करता है। तो वो गैस करता है कि पासवर्ड कौन सा है, जो पासवर्ड सही होता है उसको वो अपनी लिस्ट में शामिल कर लेता है, और जो पासवर्ड गलत होता है उसको वो साइड में रख देता है, यानी वो ब्रूट फोर्स अटैक ही होता है कि एक गैस होता है जैसे कि वो गैस कर सके ये पासवर्ड क्या है, ये सही है गलत है। तो एक तो उन्होंने ब्रूट फोर्स अटैक किया, तो इससे क्या हुआ हमारा सर्वर थोड़ा लैग होना शुरू हो गया। क्यों होना शुरू हो गया कि ब्रूट फोर्स अटैक पर वो चीज़ें फाइंड करता है, ठीक है, वो बंदे का LMS वगैरह की ID पासवर्ड वगैरह को फाइंड कर रहा होता है, यानी अगर फर्स्ट करें कि मेरा पासवर्ड 1 2 3 4 5 है, तो वो
चेक करता है पहले अगर 1 मिला के, फिर 2 मिला के, फिर 3 मिला के, 4 मिला के, फिर जैसे ही वो 1 2 3 4 करता है उसे एरर मिलता चले जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 1 2 3 4 5 करेगा तो वो उसको मिल जाएगा, यानी वो हज़ारों मतलब लाखों को अटैक करता है इस तरीके से। वो गैस करता है कि हमारा पासवर्ड फाइंड कर, तो ये आपका सिंपली ब्रूट फोर्स अटैक होता है, ठीक है। यानी सिंपल इसको गैस कह लें, यानी आपको पासवर्ड की फाइल बनी हुई वो सिंपल सारी पासवर्ड चलाता है, चेक करते हैं पासवर्ड है, ये पासवर्ड है, पासवर्ड है, फाइनली जो पासवर्ड मिलता है वो साइड में रख लेते हैं आपने। तो इस तरीके से वो उसने ब्रूट फोर्स अटैक किया, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा उसने किया डीडॉस अटैक, साइबर अटैक। तो इसमें क्या होता है, देखें डीडॉस अटैक में होता है कि सबसे पहले होता है डॉस अटैक। डॉस अटैक में क्या होता है, डिनाई ऑफ सर्वर अटैक, ठीक है, डिनाई ऑफ सर्वर अटैक। तो इसमें क्या होता है कि आपका सर्वर जो है वो लैक होना शुरू होता है। क्यों होता है, इसी वजह से। लेकिन आप एक सर्वर की लिमिट होती है, ठीक है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारा अनाउंस होता है रिजल्ट, तो उसमें क्या होता है हमारा LMS हो जाता है, हैंग क्यों होता है, हम लोग का रिसेंटली रिजल्ट अनाउंस होता है, हम लोग सारे एक साथ उस पर आ जाते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, इस वजह से सर्वर हैंग हो जाता है, लैग होता है, डाउन हो जाता है। तो हम क्या कर पाते हैं, तो हम खोल नहीं पाते, हम वेट करते हैं। जैसे ही हम वेट करते हैं कुछ घंटे या कुछ एक दिन बाद, तो हमारा सर्वर ओपन होता है। क्यों, मेजॉरिटी यूज़र वो रिजल्ट देख चुके होते हैं, वो LMS ओपन नहीं करते। तो सेम केस DDoS अटैक में ये होता है, डॉस अटैक में ये होता है कि एक सिस्टम से आपको सर्वर अटैक कर रहा होता है, ढेर सारा पैकेट सेंड कर देता है आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी रिजल्ट की, तो उसमें क्या होता है कि ढेर सारा पैकेट सेंड करता है, तो उसमें क्या होता है सर्वर या तो हैंग होता है, या लैग होता है, या फिर बंद हो जाता है, या फिर करप्ट हो जाता है, ऐसा कुछ होता है उसके साथ सर्वर के साथ, ठीक है। सर्वर पे अटैक होता है तो हमारा LMS काम क्यों नहीं करता, तो इसी वजह से कि उस पर ढेर सारे पैकेट्स आ जाते हैं, एक सर्वर की लिमिट्स थी उससे ज़्यादा पैकेट्स आ जाते हैं, तो क्या हुआ आपका सर्वर हैंग हो गया, डाउन हो गया, तो आपका सर्वर काम नहीं कर रहा था, उसकी वजह यही थी, ठीक है। अब DDoS अटैक क्या होता है, देखिए DDoS अटैक में सिंपल बंदा एक कंप्यूटर से आपको अटैक कर रहा होता है, ठीक है। DDoS अटैक में क्या होता है, DDoS अटैक में जो है एक से ज़्यादा PC से वो अटैक कर रहा होता है, इतना खतरनाक अटैक है, ठीक है। यानी एक से ज़्यादा PC से वो अटैक कर रहा होता है, उसको बोलते हैं DDoS अटैक। और उसमें क्या होता है कि वो पैकेट सेंड कर रहा होता है, यानी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन से सेंड कर रहा होता है, इसलिए सेंड कर रहा होता है कि सर्वर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो इससे हमारा क्या होता है सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो अटैक थे जिसकी वजह से हमारा सर्वर डाउन हो रहा था, तो ये बहुत अच्छी खबर है कि हमारे सिस्टम पर कुछ हुआ नहीं। अगर ये हैक होता तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती, फिर ये हैकर जो है वो ब्लैकमेल करते हैं, फिर हमारे लिए बहुत मसला होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने क्या इस जो है जो भी मुजरिम था उन्होंने बताया नहीं कौन है, लेकिन इसको वो पकड़ लिया है और FIA को उसने रिपोर्ट कर दी है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, छोटी न्यूज़ नहीं है, बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि मेजॉरिटी को पता नहीं हैकिंग वगैरह क्या होती है। मैं इसका कोर्स भी कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखें तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी फील्ड है, आप जाके सर्च करें तो ये पता चलेगा कि कोई एक छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।